अमृतसर च जिथे एक पासे धमाका हुंदा है तां दूजे पासे अमृतसर च गोलियां भी चलदियां ने। दस्या जा रहा कि गोली लगन नाल एक नौजवान की मौत हो गई। मामला अमृतसर तो सामने आया जिथे चार अणपछात्या वालों एक नौजवान दे गोलियां मारियां जांदियां ते उसकी मौत हो जाती है। अमृतसर के महल्ले रामनगर का यह मामला है। अमृतसर के इस्लामाबाद को रामनगर कलोनी गली नंबर 11 का यह मामला है जिथे चार अणपछाते लोगों ने गोली चलाई जिस के सौरव सोढ़ी के सीने च गोली लगती है तो हस्पताल लेके जाते समय उसकी मौत हो गई। गोलीबारी के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग सकिया किस मकसद को लेके उस उत्ते गोलियां चलाई गई। इसकी पुलिस वालों जांच की जा रही है। मौके पर इस्लामाबाद थाना के पुलिस अधिकारी ने दसिया कि सौरव सोढ़ी नाम के नौजवान को गोली लगी जिसनों हस्पताल लेके जाया गया। जिन्हों लोगों वालों गोली मारी गई है उन्होंने तलाश की जा रही है। असी मौके पर पहुंचे तो सीसीटीवी कैमरिया की जाँच की जा रही है। जल्दी ही दोषियों फड़ लिया जाएगा। मेरा नाम बलजीत सिंह रामनगर कलोनी 11 नंबर कुछ नहीं उन्होंने काम है जी आप बिस्कुट बना कहते अंदर आया सीधा होड़ा खोल के गोली मारती है। दो तीन बंदे दस रहे जी तो सू आवाज आई भजे आए भी की गल होगी किए तो एक ही चलिए छाती चो चेस्ट च गोली लगी सौरव दे खबर कोई है कि जिहड़ी सेफली गल हुण जिहड़े आए इन्हां नूं राउंड अप होना चाहिए। राउंड अप नहीं होंदा गलियां च। हां जी सर जिहड़ा अज गोली चली इत्थे रामनगर कलोनी गली नंबर 4 च इहदे बारे की मामला सर? सानू एक इनफॉर्मेशन आई है कि अपने रामनगर कलोनी दे विच एक इंसीडेंस होया जिहदे विच कि अननोन बंदे जिहड़े आ सौरव सोढ़ी है उन्होंने गोली मार गए ने। असीं मौके ते आए हैं, मौका देख रहे हैं। सर की मामला की है? हाले असीं आए हैं जी मौके ते, मौका देख के फिर क्लीयर होएगा भी एक्चुअल दे विच होया की है जी। की मसला सी सर, कोई झगड़ा होया इन्हां दा कि की? देखो हाले फिलहाल तो ना सानूं किसी ने कोई प्रॉपरली स्टेटमेंट दी है। जो भी स्टेटमेंट सानू आई विटनेस देंगे उसके मुताबिक असी कार्रवाई करेंगे।